आपको सीधी तस्वीरें दिखाते हैं पंचकुला से, जहां पर सम्मान समारोह आयोजित किया जा रहा है। क्या कुछ चल रहा है, आइए देखते हैं। एक छोटी सी फिल्म है, वीडियो फिल्म है, आइए देखते हैं अपने इन शूटर्स की निशानेबाजी का जलवा और बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए जो यात्रा उनकी रही है वो टोक्यो ओलंपिक खेलों तक। ओलंपिक्स की शूटिंग रेंज में हरियाणा के खिलाड़ियों ने भी दिखाया अपना हुनर। ISSF वर्ल्ड कप जीतने वाली सबसे कम उम्र की इंडियन शूटर झज्जर की मनु भाकर, तीसरी बार ओलंपिक्स क्वालिफायर जगाधरी से संजीव राजपूत, ISSF वर्ल्ड कप में 3 गोल्ड जीतने वाली पंचकूला की यशस्विनी सिंह देसवाल, 10 मीटर एयर पिस्टल शूटिंग में टॉप रैंकर पलवल के अभिषेक वर्मा। ओलंपिक्स में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए आप सभी को संपूर्ण हरियाणा की ओर से बधाई। तालियां जोरदार बजनी चाहिए। आप सभी युवा किशोर हैं, जैसे जोश, जो जुनून, जो जलवा, और ये खिलाड़ी तो साधक हैं, अपने तन मन को जिस तरह से उन्होंने समर्पित कर दिया अपने देश के लिए और खेलों के लिए, वो बहुत ही वंदनीय है। देवी सज्जनों, जिस प्रदेश ने सबको साथ लेकर हर क्षेत्र में विकास के नए नए प्रतिमान स्थापित किए, यानी मैं हरियाणा की बात कर रहा हूं, यहां खेलों के लिए भी बहुत खास जगह है, हम सब जानते हैं, और इसीलिए स्कूल स्तर से लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक खेल और खिलाड़ियों को बेहतरीन सुविधाएं, संसाधन, प्रोत्साहन माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में सरकार और खेल और युवा मामले विभाग लगातार उनके लिए ये कार्य करती है। आज इस अवसर पर हरियाणा के माननीय मुख्य सचिव श्री विजयवर्धन जी की गरिमामय उपस्थिति है। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वे इस अवसर पर अपने संबोधन के लिए पधारे। श्री विजयवर्धन जी, थैंक यू जनीन। परम आदरणीय गवर्नर साहब, डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब, स्पीकर महोदय, स्पोर्ट्स मिनिस्टर महोदय, मंच पे आसीन सारे स्पोर्ट्स पर्सन्स, मिस्टर देसी, मिस्टर राजीव अरोरा, डिस्टिंग्विश्ड सिविल सर्वेंट्स ऑन द स्टेज और सारे स्पोर्ट्स पर्सन, हमारे परम आदरणीय महामहिम श्री बंडारू दत्तात्रेय जी की गरिमामय सरपरस्ती का सुअवसर आज हरियाणा प्रदेश को मिला है और आज उनकी उपस्थिति हम सब के लिए बहुत सौभाग्य की बात है। महोदय, आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज का समारोह हरियाणा प्रदेश और हरियाणा सरकार के लिए ही नहीं, सारे देश के लिए, सारे भारत के लिए अति वितेश और दीप्तिमान है। आज हम अपने गौरवशाली चैंपियंस और ओलंपियंस में भागीदारी करके आए स्पोर्ट्स पर्सन्स को सम्मानित करने के लिए एकत्रित हुए। मैं आज के आयोजन में आपका और आपके परिवार में आए हुए सारे व्यक्तियों का सहर्ष अति अभिनंदन और स्वागत करता हूं। हरियाणा सरकार ने अनेक प्रकार की सहायताएं और सपोर्ट सिस्टम्स ओलंपिक टीम को प्रदान की, जिसके बारे में अभी आपको जैनेन्द्र ने बताया। मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी के प्रबुद्ध नेतृत्व और दिशा निर्देशों से ही ओलंपिक्स में हरियाणा प्रदेश की सुदृढ़ भागीदारी संभव हो पाई है और आगे भी मुझे विश्वास है कि और भी उत्कृष्ट परिणाम आते रहेंगे। हमारा जीवन असंख्य क्षणों की श्रृंखला है और वो स्पोर्ट्स चैंपियन ही हैं जो हमें ऐसे उज्जवल पल देते हैं जिसमें वो अपनी सारी शक्ति, सारी क्षमता, सारे साहस को अर्पण करके अपने लक्ष्य को पा लेते हैं। उनके प्रताप से उनके गांव, उनके प्रदेश और हमारे देश का कद ऊंचा हो जाता है और उनकी विजय का जयघोष सर्वत्र गुंजित होता है। खेल के मैदान में जीत सबके दिलों में एक अलग ही उल्लास भर देती है। उनकी सफलता हमें साहस का, कृत संकल्पित होने का, निश्चय का, दृढ़ता का, धैर्य का और अनथक प्रयास करने का सबक देते हैं। हौसले, हिम्मत और लगन से सपने सच करे जा सकते हैं, ये संदेश हमारे स्पोर्ट्समैन हमें देते हैं।
ऐसा प्रभाव एक ही और क्षेत्र में मिलता है, जो है देश के लिए समर्पित हमारे वीर जवान। हमारे सशस्त्र बलों की वीरता और क्षमता हर दिल में जोश और सम्मान भर देती है। इट इज टू बी नोटेड दैट हरियाणा इज ओनली 2% ऑफ इंडियन बट कंप्राइजेस 12% ऑफ द इंडियन आर्मी एंड इन द रीसेंट ओलंपिक सक्सेस द लार्जेस्ट नंबर्स आर फ्रॉम हरियाणा। दिस टोटल दैट कॉस्ट ऑफ ह्यूमन वर्च्यूज इज एवरी अदर क्वालिटी। किसी के साहस के अनुपात में ही जीवन सिकुड़ता है या साहस ही है जो जीवन के रक्त की लाली का वैभव बढ़ाता है, चाहे वो देश की रक्षा का मोर्चा हो या खेल का सर्वोच्च मैदान। हरियाणा के युवक युवतियों ने बहुत ऊंचा किया है। इस प्रदेश की मिट्टी को नमन है जहां गांव गांव में सजीले पलते हैं। इन ओलंपिक्स में हमारे खिलाड़ियों की सफलता देखकर हम सब बहुत उत्साहित हैं और मैं आप सभी को बहुत बधाई देता हूं और आपके माता पिता को सम्मान पूर्वक नमन करता हूं। श्री नीरज चोपड़ा, आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। इस ऐतिहासिक स्वर्ण पदक पाने की आपकी सफलता अभूतपूर्व है। आपका भाला हर भारतीय के दिल में एक विशेष स्थान पा गया है। इट इज अ मैजिकल मोमेंट एच्ड इन द हार्ट्स ऑफ एवरी इंडियन फॉर एवर। रवि कुमार धैया, बजरंग पुनिया, हमारे जाबाज रेसलर्स, आपको बहुत बहुत बधाई। हॉकी टीम में मेंबर्स नवनीत कौर, रानी रामपाल, सविता पुनिया, शर्मिला देवी, उदिता, नेहा गोयल, निशा, आपकी भागीदारी और हिम्मत ने सभी भारतीयों का दिल जीत लिया। आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहिए और आगे आपको सफलता और मिलेगी। एक और बहुत कीमती पहलू है, प्रदेश और समाज के लिए आपकी सफलता और विश्व के सर्वोच्च खेलों में भागीदारी के पीछे जो आपके संघर्ष और स्ट्रगल की गाथा है, वो प्रेरणा का किरण केंद्र बन गई है। कितने ही किशोर और किशोरियां आपसे प्रेरित होंगे और खेल जगत में कुछ कर दिखाने का सपना देखेंगे। चुनौतियों से लड़कर अर्जुन की तरह मीन की आंख पर लक्ष्य साधेंगे, मेरी ये प्रबल मनोकामना है। और माननीय मुख्यमंत्री जी से विनम्र निवेदन भी है कि हम इस सफलता को एक सुअवसर मानकर खेल जगत में हरियाणा के आलोक पथ को प्रशस्त करें। बच्चों में, किशोरों में, किशोरियों में खेलों के लिए रुचि बढ़ाएं, इंतजाम बढ़ाएं, रिसोर्सेज बढ़ाएं, हर पाठशाला में प्रतिभाशाला बनाएं, गांव गांव में प्रतिभाशालाएं बनाएं, जहां खेल ही नहीं कलाओं में, अभिनव सृजन में, विज्ञान में नन्ही प्रतिभाओं को उभारें और उन्हें मुखरित करें। नेल्सन मंडेला वंस सेड, स्पोर्ट्स हैज द पावर टू चेंज द वर्ल्ड, इट हैज द पावर टू इंस्पायर, इट हैज द पावर टू यूनाइट पीपल इन अ वे दैट लिटिल एस डस, इट स्पीक्स टू यूथ इन अ लैंग्वेज दे अंडरस्टैंड। स्पोर्ट्स कैन क्रिएट होप वेयर देयर वाज ओनली डिस्पेयर। आई होप दैट वी कैन इंस्पायर एंड एनेबल मेनी मोर यूथ लाइक नीरज, रवि कुमार, बजरंग पुनिया, रानी रामपाल एंड अ टीम एंड ऑल दोज हु ट्राइड द बेस्ट। सभी खिलाड़ियों के लिए मैं पुनः बहुत बहुत बधाई देता हूं और सभी के लिए मंगल कामना करता हूं कि आपका हौसला और क्षमता दोनों ही बढ़ते जाएं और हर मंजिल आपके कदम चूमे। जय हरियाणा, जय भारत। बहुत बहुत आभार माननीय मुख्य सचिव हरियाणा श्री विजय वर्धन साहब का। देवे सज्जनों, टोक्यो ओलंपिक खेलों में जिस भारतीय महिला हॉकी टीम ने हिस्सा लिया था और उसने इतिहास रचा था, यानी पहली बार सेमीफाइनल तक की अपनी यात्रा पूरी की थी, उस दल में नौ खिलाड़ी उस दल में हरियाणा प्रदेश से थे और रानी रामपाल की कैप्टेंसी में ये जलवा हरियाणा के हमारे इन छोरियों ने बिखेरा है। तालियां जब बजे तो खूब सारी बजनी चाहिए, जोश के साथ बजनी चाहिए, जुनून के साथ बजनी चाहिए, जिस जुनून को इन्होंने खेल के मैदान में दिखाया है। रानी रामपाल की कैप्टेंसी में सेमीफाइनल तक पहुंचने की इस यात्रा को लेकर हम सबको इतना गर्व है, बहुत खुशी है, पूरे देश को गर्व है। और इन नौ बेहतरीन खिलाड़ियों को हरियाणा के, उस पर आधारित एक छोटी सी वीडियो फिल्म है। रानी, आपकी पूरी टीम को हम डेडिकेट करते हैं वो, और आपके साथ शेयर करते हैं ताकि आप उसे देखें और इनके जोश और जुनून को सलाम करें, वंदन करें और गर्व करें अपने इन खिलाड़ियों पर। आइए देखते हैं ये छोटी फिल्म।
महिला भारतीय हॉकी टीम ने रचा इतिहास। टोक्यो ओलंपिक्स में किया पहली बार सेमीफाइनल में पदार्पण और अपने उत्कृष्ट खेल का प्रदर्शन। इस सफलता में हरियाणा की बेटियों ने भी दिया बढ़ चढ़कर योगदान। कुरुक्षेत्र से टीम कैप्टन रानी रामपाल, नवजोत कौर, हिसार से गोलकीपर सविता पुनिया और दोनों फॉरवर्ड्स उदिता और शर्मिला, सोनीपत से दो मिडफील्डर मोनिका और नेहा, और डिफेंस को मजबूती देती निशा। ओलंपिक्स की फील्ड में भारत का डंका बजाकर देश को सेमीफाइनल तक पहुंचाने और हरियाणा की शान बढ़ाने के लिए इंडियन वुमेन्स हॉकी टीम को संपूर्ण हरियाणा की ओर से हार्दिक बधाई। एक बार निवेदन करूंगा, रानी और आपकी पूरी टीम जो है, 9 खिलाड़ी यहां उपस्थित हैं, एक बार अपनी जगह पर खड़े हो जाएं। आपको देखने के लिए सब बहुत आतुर है। जोरदार तालियां इन सभी हमारे 9 ऐसी बेहतरीन अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों के लिए। दुआएं, शुभकामनाएं, गर्व है हमें आप सब पर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और रानी रामपाल हॉकी की फील्ड में दुनिया भर में अपनी जो पहचान रखती है, भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया, हम सब जानते हैं। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न से अलंकृत हैं और एक बहुत ही सार्थक, सारगर्भित और उल्लेखनीय उनकी यात्रा है हॉकी की फील्ड में। मैं निवेदन करूंगा रानी रामपाल से आप सबकी बहुत सारे तालियों के साथ कि वो 2 मिनट के लिए जरूर अपने एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए आए। तालियां आपके पूरे जुनून और जोश के साथ बजनी चाहिए हमारी हॉकी की कैप्टन, जिन्होंने सेमीफाइनल तक की यात्रा पूरी करके इतिहास रचा, रानी रामपाल। नमस्कार। मेरी और मेरी पूरी टीम की तरफ से पहले मैं हरियाणा सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि जिन्होंने आज हमें यहाँ पे एक सम्मान समारोह में बुलाया, और हमें बहुत प्राउड फील होता है कि हम हरियाणा से बिलोंग करते हैं, बिकॉज हरियाणा ने जो एग्जांपल स्पोर्ट्स के लिए पूरे इंडिया में सेट किया, वो आई थिंक बाकी स्टेट्स ने भी उसको देख के फॉलो किया। सो हमें बहुत प्राउड फील होता है कि हम हरियाणा से हैं और हम 9 प्लेयर्स स्पेशली गर्ल्स सेक्शंस में हरियाणा से हैं। यहाँ पे जितने भी अतिथिगण और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम बहुत मेडल के क्लोज थे, हम मेडल नहीं जीत पाए, बहुत लोगों ने हमें बोला कि बट आप लोगों ने इंडिया का दिल जीता है, तो हमें बहुत दुख था वहाँ पे। लेकिन यहाँ पे आने के बाद जो लोगों ने हमारी टीम को प्यार दिया, जो सम्मान दिया, उसके लिए मैं तहे दिल से सबका शुक्रिया करती हूँ, क्योंकि वुमेन हॉकी में इससे पहले कभी इतना प्यार, मान सम्मान जो है कंट्री से, वो नहीं मिला था। सो आप आगे भी ऐसे ही हमें सबको सपोर्ट करते रहिए और हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि हम इंडिया के लिए और ज़्यादा मेडल्स लेके आएं। थैंक यू वंस अगेन। बहुत बहुत आभार, बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारी दुआएं। वो पल हम सबको याद है जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने रानी रामपाल और उनकी पूरी टीम से बात की थी, फाइनल जो आखिरी मैच जो खेला था और इतना बेहतरीन प्रदर्शन किया था। खेल का मैदान है, किस्मत की बात है, लेकिन जो आपका प्रदर्शन था, प्रधानमंत्री महोदय ने खुद कहा कि आपने देश का दिल जीता है, देश के लोगों का दिल जीता है, ये कमाल है। एक बार तिरंगा हमारा हवा में जरा लहराना चाहिए बच्चों, ताकि ये देश का मान सम्मान गौरव बढ़ाने वाले इन कलाकारों को हम अभिनंदन और उनका वंदन कर सके इस अवसर पर। बहुत बहुत दुआएं, बहुत सारी शुभकामनाएं आप सबके लिए। ओलंपिक खेलों में महिला हॉकी के बाद पुरुष हॉकी की तरफ आपको लिए चलते हैं, और पुरुष हॉकी में भी 41 सालों की लंबी प्रतीक्षा के बाद पुरुष हॉकी टीम जो हमारी भारत की है, वो न सिर्फ पदक प्राप्त किया बल्कि वहां तक की उसकी यात्रा भी बहुत महत्वपूर्ण रही, और उसके 2 बेहतरीन खिलाड़ी हमारे उस टीम के सदस्य हरियाणा से सुरेंद्र सीधे यहां पर उपस्थित हैं। सुरेंद्र जी कहां हैं? हाँ सुरेंद्र जी एक बार खड़े हो जाएं ताकि आपको देख लें। तालियां आप सबके लिए और सुमित के लिए। सुमित किसी वजह से नहीं आ पाए हैं, लेकिन वो वीडियो वीसी के माध्यम से, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हम सब से जुड़ेंगे, लेकिन हमारे इन 2 बेहतरीन हॉकी खिलाड़ियों को लेकर एक वीडियो फिल्म, छोटी सी वीडियो फिल्म है, वो आपके साथ हम शेयर करेंगे ताकि इनके जोश और जुनून को आप महसूस कर सकें। आइए देखते हैं। 41 साल बाद ओलंपिक्स के मैदान में फिर चला भारतीय हॉकी का जादू।
सेमीफाइनल तक पहुंची इंडियन मेंस हॉकी टीम। ब्रॉन्ज मेडल के लिए जर्मनी को 5-4 से हराने में अहम भूमिका निभाई हरियाणा के दो बेहतरीन खिलाड़ियों ने। 2017 एशिया कप के विजेता टीम के डिफेंडर कुरुक्षेत्र के सुरेंद्र कुमार और मेंस हॉकी जूनियर वर्ल्ड कप 2016 के विजयी मिडफील्डर सोनीपत के सुमित। 4 दशकों बाद ओलंपिक्स हॉकी में देश को तमगा दिलाने और हरियाणा का मान बढ़ाने के लिए सुरेंद्र, सुमित और भारतीय हॉकी टीम को संपूर्ण हरियाणा की ओर से हार्दिक बधाई। हर पल जोश से भरा हुआ, क्योंकि इन खिलाड़ियों ने इस देश का नाम रोशन किया है और उस पर हम सबको गर्व है अपने इन सभी खिलाड़ियों पर। और मैं, ये मौका है जब मैं सुरेंद्र जी से निवेदन करूं कि वो संक्षेप में अपने बात, अपने जज्बात, अपने अनुभव आपके साथ जरूर जरूर शेयर करें। और दरअसल सिर्फ यहाँ नहीं बल्कि लाइव जो इसकी स्ट्रीमिंग हो रही है या टेलीकास्ट हो रहा है तमाम चैनलों के माध्यम से देश और दुनिया भर में के लिए सुरेंद्र आइए हम सब के साथ। शुक्रिया अदा करना बोला है हम थैंक यू। और ये जोड़ी हरियाणा देश में दो हमारे स्क्रीन और वहां से सुमित स्वागत तो पंचकुला में ये कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। जो हरियाणा के पदकवीर हैं, जो खिलाड़ी हैं जिन्होंने ओलंपिक में जौहर दिखाया, वो शानदार प्रदर्शन दिखाया, उसके बाद पूरी दुनिया में लोहा माना जा रहा है हरियाणा के खिलाड़ियों का भी। और इस बीच यहाँ पर उन सभी खिलाड़ियों को, तमाम खिलाड़ियों को सम्मानित किया जा रहा है। और इसी उपलक्ष्य में, इसी मौके पर यहाँ पर खेल मंत्री भी मौजूद हैं, हरियाणा के डिप्टी सीएम भी यहाँ पर मौजूद हैं।